हेलो शेन, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है और ये हर मॉड्यूल में होता है, डीपीपी में होता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जब रीड कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आप अटेम्प्ट करिएगा, अगर हो जाता है तो गुड, नहीं होता है तो आप एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि इसका जो मेथड है, इसका जो प्रोसेस है, उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे लिंक होके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है देखिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से आपने एक पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है और परपेंडिकुलरली फेंका है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, तो ये पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहा है और इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है। इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री है और इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन एंगल 53 डिग्री है। तो कह रहा है कि अगर आप इस इंक्लाइन से इस पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं और वो इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलरली टकरा रहा है, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यू एंड इस यू की वैल्यू आप अलग से लिख लीजिए। क्वेश्चन मेंशन है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड कह रहा है ए बी की वैल्यू, ये लेंथ ए बी है, ये लेंथ बताइए। ए सी की वैल्यू, ये लेंथ ए सी, इसे बताइए। हाइट ऑफ बी, हाइट बी की हाइट मतलब ये दूरी पता करनी है। हाइट ऑफ सी मतलब आपको ये दूरी पता करनी है। स्पीड बाय विच पार्टिकल स्ट्राइक एट बी, ये पार्टिकल जब बी पे स्ट्राइक कर रहा है तो स्ट्राइक करने के जस्ट पहले पार्टिकल की स्पीड कितनी है ये बतानी है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा, दोबारा बता दूँ कि दो इंक्लाइंस हैं, इंक्लिनेशन एंगल 37-53 डिग्री है। यहाँ से मैंने एक पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, वो पार्टिकल यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इस लेंथ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ ए सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हाइट ऑफ बी कितना होगा, हाइट ऑफ सी कितना होगा। ठीक है, और पार्टिकल जब बी पे टकरा रहा है तो टक्कर के जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए अच्छा अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ये एंगल 37 डिग्री और एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल क्या आ गया 90 डिग्री, क्योंकि इसका सम 90 बनेगा, 37 प्लस 53 इज 90 डिग्री, देन व्हाट इज दिस 90 डिग्री। तो क्या करते हैं, जहां से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो उसको क्या मानते हो, ओरिजिन। एक्स एक्सिस ऐसे मान लिया और वाई एक्सिस ऐसे मान लिया, मान लिया लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वाई ऐसे मान सकते हो और एक्स ऐसे मान सकते हो, आपकी मर्जी है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो आपकी मर्जी, पार्टिकल ऐसे फेंका है तो इसको आप एक्स मान सकते हो, इसको वाई मान सकते हो। ठीक है, मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, नहीं कोई इशू नहीं है, मैथमेटिक्स है, एडजस्ट कर लेगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन को ईजिली हैंडल करने के लिए, नेसेसरी थोड़ी कि नहीं इसी को एक्स इसी को एक्स मानना है, क्यों ऐसा। तो मैंने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया और जहाँ से फेंका है उसको ओरिजिन, और इसको वाई एक्सिस मान लिया। अब देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे बताइए जब ये पार्टिकल को आपसे मैं फेंक रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक इस पर तभी संभव है जब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो, जीरो। बता चुका हूँ ना, परपेंडिकुलर स्ट्राइक किसी सरफेस पे हो रहा है तो उसके पैरेलल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहा होगा तो उसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, अच्छा ये डायरेक्शन और ये एकदम सेम है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जो फाइनल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कहलाएगी, इट विल बी जीरो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होगी, कंफर्म परपेंडिकुलर स्ट्राइक है तो इस सरफेस पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो आएगी। दूसरी देखिए, इंक्लाइन प्लेन ये है और आपने ओरिजिन यहाँ माना है तो जी का कंपोनेंट करेंगे, यही इंक्लाइन प्लेन है बेसिकली, क्योंकि प्रोजेक्ट जहाँ से कर रहा हूँ वही इंक्लाइन प्लेन है, तो ये जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे को। तो कोई पूछे आपसे कि ये कितना आएगा, ये वाली जी का कंपोनेंट, तो दिस इज जी साइन 37 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि ये इंक्लाइन है ना ऐसे, तो 37 डिग्री, तो जी साइन 37 डिग्री, और ये बनेगा जी कॉस 37 डिग्री, जी कॉस 37 डिग्री। अब बताता है कैसे हो, मैं कह रहा हूँ कैसे आ सकता है, इसको आगे कर बढ़ाएंगे, अगर ये 37 डिग्री है तो कल्पना करके देखो ये 53 डिग्री आएगी, आप ये कोई पूछे तो 37 डिग्री आएगा, 37 डिग्री, तो ये तो आपका जी है, ये तो आपका जी है, तो एंगल के पास वाला कॉस कहलाता है ना, तो जी कॉस 37 और एंगल से दूर वाला, ये दूर वाला है ना, ये वाला ये वेक्टर दूर वाला है,
तो साइन कहलाता है, तो जी साइन 37 डिग्री होगा। अब जी साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 37 होता है 3/5 और ये जी 10 तो वैल्यू हो जाएगी 6, तो दिस इज 6, ये होता है 4/5, ये होता है 10, तो दिस वैल्यू इज 8। अब इसके यहाँ से हटा दीजिए, इसके यहाँ से हटा दीजिए, तो आपने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कर लिया, इस डायरेक्शन में 6 है, इस डायरेक्शन में 8 है। तो अब मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ पे टकरा रहा है तो एक्स की फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो जिसका इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसी का तो यूज़ करूँगा, तो फिर एक्स के डायरेक्शन में लिखेंगे वी बराबर यू प्लस 80। तो फिर एक्स के डायरेक्शन में मैंने लिखा वी बराबर यू प्लस 80, तो एक्स की फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 बराबर, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, पूरा पूरा इधर है 20 प्लस 20 क्योंकि आपने इधर प्लस माना है, प्लस 20 वी बराबर यू प्लस ए, और एक्स में एक्सेलरेशन, एक्स में एक्सेलरेशन देखिए 8 है ना, बट इधर है इसलिए माइनस 8 क्योंकि आपने प्लस इधर माना है, तो माइनस 8, माइनस 8 इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 20/8, 20/8, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, इट इज अच्छा ये 5/2 बनेगा, दिस इज 5/2 सेकेंड एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली 5/2 सेकेंड, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में इतना समय लगेगा, 5/2 सेकेंड में जाके इस इंक्लाइन से टकरा जाएगा। अब कह रहा है कि लेंथ ए बी बताइए, लेंथ ए बी मतलब आपको ये लेंथ पता करना है, अच्छा ये डायरेक्शन कौन सा है, एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, तो फिर एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो लेंथ ए बी कहलाएगी, तो ये जो लेंथ ए बी आएगा ए बी ए बी एक्स के डायरेक्शन लगाएंगे यू टी प्लस हाफ एटा स्क्वायर, तो एक्स के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी यू 20 है, यू टी कितना है 5/2 यू टी प्लस हाफ, और एक्स का एक्सेलरेशन कितना है, एक्स का जो एक्सेलरेशन है वो इधर है माइनस 8, तो माइनस 8 इंटू टी स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। ओके नाउ ये 10 ये कितना आएगा 50, ये आएगा अब 4 का टर्म यहाँ से, 2 का टर्म यहाँ से, 8 कैंसिल आउट माइनस 25, दिस वैल्यू इज 25 मीटर। इसका मतलब जो आपने लेंथ ए बी सॉल्व किया है, लेंथ ए बी दिस इज नथिंग बट 25 मीटर, ये 25 मीटर। अब आपको बात करनी है लेंथ ए सी की, लेंथ ए सी कितनी है, ए सी इज दिस लेंथ, अच्छा ये डायरेक्शन कौन सा है y, इसका मतलब y के डायरेक्शन लगाएंगे यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो y के डायरेक्शन लगाइए यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो ये अच्छा तो y बराबर u, अच्छा बताइए y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि पूरा पूरा x में ना 20 पूरा पूरा x में, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद ही लिखेगा, हमेशा ईजी होता है कैलकुलेशन, तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि पूरा पूरा x में है, तो यू टी प्लस हाफ और एक्सेलरेशन y में कितना है, y में एक्सेलरेशन 6 है बट वो नीचे पर है इसलिए माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर, और टाइम कितना था 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू, यहाँ से कितना आएगा 2 का 4 का टर्म आ रहा ना यहाँ से, ये 6 है 25, तो बनेगा माइनस 6 इंटू 25 डिवाइड बाई, ये आएगा 4 इंटू 2 तो ये 3 यहाँ पे जाएगा, अच्छा माइनस 75/4 मीटर, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे पर होगा। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ अगर ए सी है तो जो ए सी का मैग्नीट्यूड आएगा दिस वन इज 75/4 मीटर, तो ए सी केवल आपने निकाल लिया 75/4 मीटर एंड दिस इज आंसर। अब कह रहा हाइट ऑफ बी बताइए, ये वाली हाइट पता करनी है, अच्छा अगर हाइट ऑफ बी लेट्स दिस वन इज एच वन, तो ये लेंथ पता है ए बी और ये एंगल 53 है, तो h1 कुछ और नहीं होगा, h1 वन इज ए बी का साइन 53 डिग्री, दिस वन ये ए बी पता है ये 53, तो एंगल का सामने वाला साइन कहलाता है, तो h1 निकाल दिया और ए बी आपको पता है प्लेस कर दो। हाइट ऑफ ए सी पूछ रहा है, ये वाला हाइट पूछ रहा है, तो ये लेंथ आपको पता है ए सी का, अगर हाइट h2 है तो पूछे h2 कितना होगा, तो इट इज़ ए सी साइन 37 डिग्री, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है, तो ए सी का लेंथ आपको पता है 75/4 उठा कर रख दीजिए आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 को सॉल्व कर लिया। कह रहा है किस स्पीड से पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा, तो देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ पर टकरा रहा होगा बी पॉइंट पर टकरा रहा होगा तो उसकी स्पीड भी वाई जो भी होगी वो नेट तो वाई में ही होगी क्योंकि पूरी पूरी एक्स वाली वेलोसिटी 0 हो चुकी है,
तो जो भी वेलोसिटी बची है वो तो इस डायरेक्शन बची है, और ये डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, वाई डायरेक्शन। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें वाई डायरेक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन में लगाएंगे वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी वी वाई, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि पूरा पूरा एक्स में वेलोसिटी है, प्लस ए टी। और वाई का जो एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो सिक्स है, बट नीचे पर है तो माइनस सिक्स। और टाइम कितना लगा, फाइव बाई टू, दिस इज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस पार्टिकल की जो स्पीड है वाई डायरेक्शन की टकराते समय 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो इस पार्ट का कोई पूछे आंसर कितना होगा फिफ्थ सिक्स पार्ट का, तो आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। तो यहाँ